नमस्कार दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मुझे कोई अगर डिफरेंट वस्तुएं दिखी किसी की भी पामिस्ट्री में तो मैं आपके सामने वीडियो लेकर जरूर आऊं। आपने हेडिंग देखा होगा, रोज के 5 लाख कमाते थे, रोज के 5 लाख कमाते थे। ये जब कंडीशन थी तो ऐसा क्या हुआ कि आज ये पैसे के लिए मोहताज हो गए। अब देखिए आप, ये इनकी धन रेखा, ये यहां पर इनकी धन रेखा है। अब इस जगह पर इनकी मछली की साइन, इस जगह पर मैं क्लोजअप में लेकर चलता हूं आपको। ये देखिए, ये मछली की साइन, ये कम से कम 2.5 साल की थी, 2.5 साल की। अब ये 2.5 साल पैसा बरस रहा था, रोज के 5 लाख से आसपास या उसके ऊपर कमाते थे। और फिर ऐसा समय आ गया कि इन्होंने वो जो कमाया हुआ पैसा था वो शेयर मार्केट में डाल दिया, कुछ परिवार को दिया, और आज की तारीख में ईएमआई के भी लाले पड़े हुए, यानी जो फ्लैट लिया था उसकी ईएमआई भरने के भी लाले पड़े, यानी वो भी टेंशन आता है इनको। तो ऐसी स्थिति क्यों हुई? तो पहली चीज तो ये जो फिश साइन है, धन रेखा पर आ जाती है तो रियल में पैसा बरसता है, हैवी पैसा बरसता है, आदमी सोच भी नहीं सकता उस लेवल का पैसा व्यक्ति के जीवन में आता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इनकी कंडीशन ऐसी क्यों हुई। अब जो व्यक्ति मेरे वीडियो देखता है उसको पता है कि जीवन रेखा टूटने पर भी हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका मूल धन भी गायब हो जाता है। अब मैं उसी पॉइंट पर आपको लेकर आता हूं। ये देखिए, ये माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन है, और ये जीवन रेखा है, ये इनकी जीवन रेखा है। ये यहां तक आई और उसके बाद अप टू यहां तक ब्रेक है, अप टू यहां तक ब्रेक है। अब ये मेरे पास आए 38 की उम्र में, ये 37 की राहु रेखा, ये 37 की राहु रेखा है, और ये 36 के आसपास ये लाइन ड्रॉप हो गई। अब ये जो लाइन है यहां से या यहां से, ये लगभग इस पीरियड में ये 47 हो रहा है, और यहां अगर 2 साल गिरे एक्स्ट्रा भी तो 44 के आसपास या 45 के आसपास से इनके जीवन में उन्नति वापस चालू होगी। पर तब तक अब जो फिश साइन ने जिस तरह से पैसा दिया उतना पैसा ये जीवन में कभी नहीं कमाने वाले, ये भी एक सच्चाई है। क्योंकि आगे इनकी धन रेखा जहां से अच्छी होगी, ग्रोथ मिलेगी, पर उस लेवल का पैसा नहीं मिलेगा जो इन्होंने पहले कमा चुका। अब जैसे ही जीवन रेखा टूटती है, व्यक्ति को जो भी इन्वेस्टमेंट करता है खुद के नाम पर वो सारा पैसा मूलधन के साथ गायब हो जाता। इसी पीरियड में ये ऑप्शन कि इनका जो चलने वाला बिजनेस था वो कॉलेप्स हो गया, यानी कमाई भी कम हो जाती और कॉलेप्स हुआ, तो इनका ध्यान दूसरे इजी मनी कमाने की तरफ इनका ध्यान गया। और शेयर मार्केट आपको पता ही है, बहुत आसानी से पैसा मिलता है ऐसा लोगों को लगता है, और उसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसे जिसमें सेबी कहती है कि 1% ही व्यक्ति पैसा कमाता है, यानी 100 लोग जाते हैं उसमें केवल एक व्यक्ति ही पैसा कमाता है, बाकी के 99 लोग लॉस करते हैं। और ये उसी तरह के व्यवसाय में घुसे, ऑप्शन ट्रेडिंग की, और इनका पैसा पूरा खलास हो गया। अब इनको इस बीच में यहां से जब इनकी धन रेखा स्टार्ट होगी या यहां से स्टार्ट होगी जीवन रेखा, तो ये पीरियड इनको एक 6 महीने का अच्छा पीरियड इनको मिलेगा। पर इसी जगह इनकी धन रेखा उतनी भी अच्छी नहीं है, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ तो इनको नहीं मिलेगी, इनको यहां से ग्रोथ ज्यादा मिलनी चालू होगी 47-48 के आसपास से, जहां से जीवन रेखा स्टार्ट होगी। तब तक इनके जीवन में ये इस तरह की धन रेखा संघर्ष रहेगा, रहेगा और रहेगा। तो कितना एक अलग ही तरह का जीवन में, जब किसी ने इस तरह से पैसा देखा हो और अचानक से पैसा ब्लॉक हो जाए, पैसा आना बंद हो जाए, ये जब कंडीशन आती है तो बहुत दयनीय होती है, बहुत दयनीय। तो
मैंने इनको कहा कि जब आप अच्छा कमा रहे थे तो हमारे पास क्यों नहीं आया। और ये खासियत है, डॉक्टर के पास बीमार होता है तभी जाता है, और हमारे पास कोई तकलीफ आती है तभी आता है। पर एक्चुअल में पहले आना आए होते तो मैं इनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना बोलता, और वो सारा धन इनके पास बचा रहता। तो आशा रखता हूं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को शेयर कीजिए, मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।